महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता के बारे में सुनवाई को लेकर टाइमलाइन की घोषणा कर दी। इसके मुताबिक 6 अक्टूबर से इसकी सुनवाई शुरू होगी और अंतिम हियरिंग 28 नवंबर को होगी। एशियन गेम्स में बुधवार को भारतीय निशानेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत की स्विफ्ट कौर सामरा ने महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड जीता। मथुरा जंक्शन पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ IMU ट्रेन पटरी छोड़कर अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को चढ़ते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए भागने लगे। राज्य में प्याज किसानों व व्यापारियों की समस्या के समाधान को लेकर बुलाई गई बैठक फेल हो गई। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में चल रही व्यापारियों की हड़ताल और किसानों के मांग के संदर्भ में बुधवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार एवं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद इसरो ने ऐसे तारों के रहस्य सामने लाने की योजना बनाई है जिन पर पर्यावरण होने की बात कही जाती है या जो सौरमंडल से बाहर स्थित है। मुंबई में रहने वाले 28 वर्षीय युवक गूगल पर आत्महत्या करने का सबसे अच्छा तरीका खोज रहा था, जिस पर इंटरपोल के अलर्ट करने के बाद मुंबई पुलिस ने उसके घर का पता लगाया और उसे खुदकुशी करने से रोका। लोगों को नशे की लत में झोंकने वाले ड्रग्स विक्रेता उन्हीं के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। ड्रग्स के नाम पर नशेड़ियों को सल्फेट और अजिनोमोटो खिला रहे हैं। नागपुर शहर में गणपति बप्पा का विसर्जन गुरुवार को किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम टैंकों की व्यवस्था की गई है। निर्माल्य संकलन के लिए कलश भी लगाए गए है। 4 फुट तक की गणेश मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम टैंकों में किया जाएगा। भाजपा ने अब तक 79 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत उनके मंत्रिमंडल के किसी भी साथी की सीट का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC पर बुधवार को एक बारूदी सुरंग के विस्फोट में सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार नौशेरा सेक्टर में गश्त के दौरान नायक धीरज कुमार मगराती गलती से एक बारूदी सुरंग पर कदम रखने के बाद घायल हो गए।